गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी गूगल क्रोम से नोटिफिकेशन के परेशान हैं, जब भी आप इंटरनेट ऑन करते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में तो एकदम से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको काम करने में दिक्कत आती है, तो इसको हम क्लोज कैसे कर सकते हैं, तो इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप साइट पे जहाँ पर थ्री डॉट्स है वहाँ पर जाना है आपने, एक साइट पे और क्लिक करेंगे, नीचे सेटिंग्स पे आ जाना है और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे चले जाना है। तो इसे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो लास्ट पे जो आ रहा होगा साइट सेटिंग्स, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपने नीचे स्क्रॉल करके देखना है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, आपने नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे जाओगे, जिस के भी नोटिफिकेशन आपने अलाउ किए होंगे वो आपको नीचे शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा अलाउ टू सेंड नोटिफिकेशंस, ठीक है। अगर आप अकेले को कुछ जो नोटिफिकेशन है उन्हें ऑन रखना चाहते हैं और कुछ को ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव और ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जितने भी नोटिफिकेशन है सभी के सभी एकदम से आप ब्लॉक कर देना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपके गूगल क्रोम में जब आप इंटरनेट ऑन करो तो कोई भी नोटिफिकेशन ना हो, तो आपने यहाँ पे जहाँ पर लिखा है डोंट अलाउ साइट्स एंड सेंड नोटिफिकेशन, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, आपके जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो ऑफ हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन ऑफ करने का प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, डिजिटल वर्ल्ड 320 को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।